जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के द्वारा बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार का पुतला दहन बेगूसराय। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के द्वारा बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में बेगूसराय जिला मुख्यालय के कैंटीन चौक पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय कुमार यादव एवं SC/ST के प्रदेश सचिव प्रभात कुमार पिंटू ने किया। मीडिया को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष संजय कुमार बिहार सरकार की झूठी शराबबंदी का ढकोसला पर घोर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों से मांग की कि सांसद निधि के पैसे से खरीदा गया एम्बुलेंस में खुलेआम शराब का तस्करी की जाती है और सरकारों पर काली पट्टी बांधे हुए हैं, उसमें भी यह वही एम्बुलेंस है राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से खरीदा गया एम्बुलेंस, जो कोरोना काल में सांसद राजीव प्रताप रूडी के डेरे पर 40 एम्बुलेंस तिरपाल से ढककर रखे हुए थे, जिसका उद्भेदन मधेपुरा के पूर्व सांसद एवं जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन उर्फ श्री पप्पू यादव जी ने किए थे। उस समय यह अंधा बहरा सरकार राजीव प्रताप रूडी को जेल में देने के बदले माननीय श्री पप्पू यादव जी को जेल में दे दिया। अतः आप लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस एम्बुलेंस चोर एवं एम्बुलेंस से शराब का तस्कर कराने वाले राजीव प्रताप रूडी को अविलंब गिरफ्तार कर उसे सजा दी जाए और पप्पू यादव जी को अविलंब रिहा किया जाए, जिससे गरीब गुरबा का सेवा नियमित रूप से चलता रहे। इस कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरजा देवी, जन अधिकार सेवा दल के जिला अध्यक्ष गौतम सिंह मटिहानी, प्रखंड अध्यक्ष सोनू कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू एवं सुशील यादव, SC/ST के प्रदेश महासचिव बन के पास में जिला महासचिव धनंजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष अरविंद यादव, प्रदेश सचिव विपिन यादव, नगर अध्यक्ष सरवन कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। बिहार में संपूर्ण रूप से शराबबंदी नियम लागू किया गया है, लेकिन अभी के डेट में आप जहां चाहिएगा तहां होम डिलीवरी शराब मिलता है। यदि नहीं मिलता तो रोज आपके बेगूसराय में ट्रक ट्रक शराब नहीं पकड़ाता। आखिर ये अवैध रूप से जो दारू का धंधा चालू हुआ है वो तो पहले था ही, अब खुद सरकार ने एम्बुलेंस को जरिया बना करके खुद उसमें शराब ढुलवा रहे हैं। खुद सरकार काम करवा रही है, शराब का धंधा कर रही है। सरकार जो है शराब के धंधा के साथ साथ बालू का अवैध पंचायत को दिया गया है, तो उनके एम्बुलेंस पर राजीव प्रताप रूडी नाम लिखा हुआ, उन्हीं के सौजन्य से गाड़ी खरीदवाया गया है। उनका दायित्व नहीं बनता है, उनका राजीव प्रताप रूडी जी का दायित्व नहीं बनता है कि हम इस चीज़ को गलत काम को रोके। सरकार का सहयोगी है बीजेपी तो जो लोग इसमें शामिल है उसको किनका लोग है, उन्हीं का क्षेत्र है, उन्हीं का एम्बुलेंस है, उन्हीं के क्षेत्र में और उन्हीं के एम्बुलेंस से जब दारू मिलता है तो अब किस पर आरोप लगेगा? सांसद पर आरोप नहीं लगेगा, मुख्यमंत्री पर आरोप नहीं लगेगा, वहाँ के सिविल सर्जन पर आरोप नहीं लगेगा या वहाँ के DM पर आरोप नहीं लगेगा। उन्हीं के अंतर्गत तो सब काम हो रहा है। एक एम्बुलेंस से शराब ढोया जा रहा है, कहीं पर बालू ढोया जा रहा है, सरकार देख नहीं रही है? सरकार सब देख रही है, लेकिन सत्ता का दंभ ऐसा दबाए हुए है, सत्ता का दम जो फन फैलाए हुए है वहाँ राजीव प्रताप रूडी उसी का एक नमूना है, जो आज बिहार में शराब जो ढोया जा रहा है, एम्बुलेंस से ढोया जा रहा है। और यही उजागर करने में जब पप्पू यादव जी उनके आवास पर गए थे, आज आप देख लीजिए 4.5-4.75 महीना से हमारे सांसद को जेल में दिए हुए है, राजीव प्रताप रूडी बजाबते जैसे था वैसे रह रहा है, जो कि आरोपी वो दफा 302 का मुकदमा होना चाहिए उस पर, राजीव प्रताप रूडी पर उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इतना जघन्य अपराध किया है। उसके बाद भी कानून या वहाँ का SP वहाँ का DM उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या नाम है? ओम प्रकाश साहू, जिला उपाध्यक्ष बेगूसराय। बिहार में सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है, आप परसों की घटना है, आप देख लीजिए किस तरीका से एम्बुलेंस में दारू पकड़ाया गया। ओहो में जो सारण जिला का जो प्रताप रूडी का ऊपर पर नेम बोर्ड पर उनका नाम है, तेकर बाद कहते हैं कि हम संचालन के लिए मुखिया को दे दिए। मुखिया आखिर सिविल सर्जन किसी उसमें कह रहा है कि GPR लगाओ, जब GPR लगा हुआ है तो उनको देख दिशा अनुसार उनको चलना चाहिए था, मगर कि लगातार उसमें दारू सप्लाई हो रहा है, बालू की सप्लाई हो रहा है। इसलिए जन अधिकार को जिस तरीका से एम्बुलेंस में के कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को फंसाने का जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने काम किए, उसी तरीका से जिस तरीका से दारू और बालू एम्बुलेंस में ढुलाया जाता था, उसी तरीका से राजीव प्रताप रूडी पर
बिहार सरकार तुरंत एफआईआर करके उसको जेल में बंद करने का काम है, हम लोगों का यही मांग है।